कैसे हैं आप तमाम। आज हम उर्दू कवायद में, आपने बॉर्डर लाइन पे उर्दू कवायद दर्ज ज़ैल अल्फाज की जिद लिखिए, कॉमा लगाएंगे, ना का लफ्ज लिखकर, जैसे मैं आपको एक वो दे रही हूँ मिसाल, मंजूर, इसकी जिद क्या हो जाएगी ना लगाकर, ना मंजूर। अब आपको मैं अल्फाज दे रही हूँ, तमाम, खुश, अहल, पाक, हमवार, मालूम, पसंद, मुकम्मल, बालिग, लायक। आपने ये काम लाइनें लगाकर करना है, लाइन लगाएंगे और इस तरफ ये वाले अल्फाज लिखेंगे, सामने इनके क्या लगाना है कि ना का लफ्ज लगाकर इनको मुकम्मल करना है। अब हम उर्दू अदब की बुक का सफ़ा नंबर 25 का काम करेंगे कि देखिए, मैंने कौमाज में लिखा है कि और के का इस्तेमाल, यानी ये क्या कहलाता है, इसको हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये हर्फ रब कहलाता है, के इसे हर्फ बयान भी कहते हैं। ये दो जुमलों के दरमियान किसी बयान को वाजह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कैसे कहेंगे, उस्ताद ने कहा, अब ये मैं ये भी कह सकती थी कि हमेशा सच बोलो, लेकिन हमने यहाँ के का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जुमला मुकम्मल हो। उस्ताद ने कहा कि हमेशा सच बोलो, किसने कहा ये आपको पता चलेगा इस के से, के अब आ गया, के बढ़िए, के ताल्लुक जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, क्या तुम खाला, बीच में मैंने के, घर जा रहे हो। अब आप नीचे दिए हुए पैराग्राफ को के और के की मदद से पुर करें। ऊपर आपको के और के का मैंने बता दिया डेफिनेशन, उसको देखकर आपने नीचे का पैराग्राफ मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़।